हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली गेट फ्रेश। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मोदी केयर इसेंशियल रेंज का बॉडी पफ यानी कि लूफा, जो हमारे स्किन केयर का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कैसे वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। सो यह बॉडी पफ है, लूफा है। इसका यूज हम लोग नहाते टाइम करते हैं। क्या होता है कि जब आप अपने बॉडी पर सोप या फिर सावर जेल जब आप अप्लाई करते हो एंड उसे बिना किसी चीज से रब किए आप जब नहा लेते हो, तो आपके स्किन पे जो डेड सेल्स होते हैं ना सनलाइट की वजह से, आपकी स्किन खुद खुदरी से हो जाती है, कि डेड सेल्स जमा हो जाते हैं आपके स्किन पर, वो आपने भी नोटिस किया होगा। तो वो सिर्फ सोप या सावर जेल के लगा के नहा लेने से वो रिमूव नहीं होती, वो आपके बॉडी पे रह जाता है। धीरे धीरे वो एक मोटी लेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब आप किसी कॉटन टॉवल या फिर पफ या लूफा यूज करते हो सोप लगाने के बाद, जब आप पफ से आप अपने स्किन को इस तरह हल्के हाथों से जब आप रब करते हो, तो आपके जो स्किन पर डेड सेल्स होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं, जिससे आपकी स्किन ना क्लियर, सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है। इसकी जो प्राइस है वो है 88 रुपीज। बट जब आप मोदी केयर डीपी से प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, तो उस पर 10-20% की डिस्काउंट मिल जाती है। अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो यह पफ है तो बस यह नॉर्मल इस तरह के प्लास्टिक में अच्छे से पैक है। एंड जब आप इसे ओपन करोगे तो यह आपको बिल्कुल ही खूबसूरत लाइट ऑरेंज कलर में आपको मिल जाती है, जहाँ पे एक इस तरह का व्हाइट कलर का होल्ड करने के लिए दिया हुआ है। आप वॉशरूम में इसे होल्ड करके इस तरह से रख सकते हो। आप जब भी मार्केट से बॉडी पफ परचेज करते हैं ना, तो इस बात को जरूर ध्यान रखो कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए, तो आपके स्किन के लिए हार्ड बिल्कुल भी ना हो। नहीं तो क्या होगा ना, अगर इसकी जो मटेरियल है ना, इसकी क्वालिटी अगर ये हार्ड रहेगी ना, तो जब आप इसे अपने स्किन पे इस तरह से अप्लाई करोगे ना, तो आपकी स्किन छील सकती है, उस पर हाथ लाइन आ सकती है। ध्यान रखें कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो, कि स्किन पे बिल्कुल भी हाथ फील ना हो। अगर बात करें कि आप वर्क कैसे करता है आपके स्किन पे, एंड जैसा कि इसमें मेंशन है मैं पढ़ देती हूँ, एन एक्सफोलिएटिंग एंड डीप क्लींजिंग अल्ट्रा सॉफ्ट बॉडी पफ दैट हेल्प्स टू ड्रा आउट डर्ट, ऑयल, डेड स्किन एंड अदर इम्प्योरिटीज फॉर हेल्दियर लुकिंग स्किन। यह जो पफ है वो आपके स्किन को डीपली क्लींज करता है, या आपके स्किन से डर्ट उसे भी यह रिमूव करता है। साथ ही जो डेड सेल्स होते हैं पॉल्यूशन या धूप पॉल्यूशन या सनलाइट में रहने की वजह से आपके स्किन पर जो एक लेयर आ जाती है, उस लेयर को यह रिमूव करता है। एंड साथ ही अदर भी जो इम्प्योरिटीज होती है आपके स्किन पे, आपके बॉडी पे, उसे भी रिमूव करता है एंड आपके स्किन को क्लियर, हेल्दियर एंड ग्लोइंग लुक देता है। वो इसलिए क्योंकि आपके स्किन पे जब डर्ट, ऑयल, डेड सेल्स रहेंगे नहीं, तो आपके स्किन ऑटोमेटिकली क्लियर एंड ग्लोइंग नजर आएगी। अगर बात करें किसे अपने स्किन पर यूज कैसे करना है, तो फर्स्ट आप अपने बॉडी को वाटर से गीला कर लो, एंड देन आपको इसे भी पानी में डुबो लेना है, इसे भी गीला कर लेना है। एंड फिर अगर आप सोप का यूज करते हो तो अपने बॉडी पे आप सोप अप्लाई कर लो। एंड अगर आप सावर जेल का यूज करते हो, जैसा कि मैं यूज करती हूँ मोदी केयर फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल, एज अ फेस वॉश, एज अ सावर जेल, दोनों काम करता है। मैंने इसका प्रॉपर रिव्यू किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। समर सीजन में यह बहुत ही बेस्ट क्लींजिंग जेल है, तो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी लेनी है। बहुत ही ज़्यादा भी नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। मैं थोड़ा यूज करके दिखा रही हूँ, बिकॉज फिर वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी नहा चुकी हूँ। इस तरह से आप इसे थोड़ा रब कर लीजिए, जैसे जब यह झाग तैयार हो जाए आप इसे अपने बॉडी पर इस तरह से अप्लाई कीजिए। एंड बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपको इसे इस तरह से रब करना है, बिल्कुल ही आपको फोर्सफुली नहीं करना है। 2-3 मिनट अपने फुल बॉडी पर इसे इस तरह से रब करें, उससे ज़्यादा यूज ना करें, बिकॉज आपको इसे डेली रब करना होता है अपने स्किन पे। सो इसके बाद आप अपने पूरे बॉडी को वॉश कर लीजिए, तो बस हो गया। तो बिल्कुल यह नॉर्मल सी प्रोडक्ट थी, आई थिंक इसके बारे में हर कोई जानता है, बट मुझे यह मोदी केयर का प्रोडक्ट पसंद आया, तो सोची क्यों ना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मे भी जो नहीं जानते हैं कि मोदी केयर में बॉडी पफ भी आता है, तो उन्हें यह पता चल जाए एंड वो यूज कर सकते हैं इसे। अगर आप सबको मेरा यह वीडियो पसंद आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड छोटू से नोटिफिकेशन बेल उसे प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने लाइफ एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।